हम जब पश्चिमी देशों अर्थात यूरोपीय देशों के साथ चीनियों के संपर्क को देखें, तो पहले तो ये समझना होगा कि सबसे पहले 16वीं शताब्दी में पुर्तगाली जो हैं वो दक्षिणी समुद्र तट पर पहुँचे थे चीन के। उनके बाद अंग्रेज और डच पहुँचे। भारत में भी सबसे पहले पुर्तगाली ही पहुँचे थे वास्को डी गामा के समय में, वास्को डी गामा के रूप में। और जिस समय यूरोपीय व्यापारी चीनी समुद्र तट पर पहुंचे थे, उसी समय चीन में सत्ता का परिवर्तन हो रहा था। चीन में चिंग वंश शासक कर रहा था, जो मांचू कबीले के लोग थे। ये मुख्य चीन से अलग थे, इस कारण से इनको इनको तटीय क्षेत्रों में काफ़ी विरोध का सामना पड़ा करना पड़ा। और इस विरोध का सामना करते समय चिंग शासकों ने उपद्रवियों को समुद्र से दूर कर दिया और समुद्र किनारों पर मजबूत किलाबंदी की। लेकिन उन्होंने कभी मजबूत नौसेना नहीं रखी, ना ही कोई और उपाय किया। ठीक उसी तरह जैसे मुगलों ने भी यूरोपीय व्यापारियों को सिर्फ व्यापारी के तौर पर देखा, खतरे के तौर पर नहीं, और कभी भी उन्होंने मजबूत नौसेना नहीं बनाई। बाद के दिनों में दोनों एशियाई साम्राज्यों को अपनी इस गलती की कीमत चुकानी पड़ी थी। खैर, विदेशी संबंधों में जो पारंपरिक चीनी व्यवस्था थी, उसकी दो विशेषताएं थीं। पहला था नजराना, जो सरकारी प्रतिनिधि चीनी सम्राट से मिलने जाते थे तो उसे उपहार के रूप में देते थे। दूसरा था कोटो, यह एक प्रकार का प्रणाम करने का तरीका था, लेकिन यह सब सबको नहीं देना पड़ता था, यह केवल उसी प्रतिनिधि को देना पड़ता था जो इस बात पर बल देता था कि वह सम्राट से व्यक्तिगत रूप से मिलना चाहता है। कैंटन व्यवस्था के पूर्व की बात करें तो इस समय चीन में चार बंदरगाहों को विदेशी व्यापार के लिए निर्धारित किया गया था। ये बंदरगाह थे कैंटन, अमोई, निंगपो और कुआनयून। इन चार बंदरगाहों पर जो व्यापार चल रहा था, 1718 ईस्वी में इटली में रहने वाले रोम के पोप के साथ जब चीनी सम्राट का मतभेद हुआ, तो उन्होंने यूरोपियनों को कैंटन में रहने से मना कर दिया और वो कैंटन से बाहर मकाऊ द्वीप पर निवास करने लगे, हालांकि उनको व्यापार करने की अनुमति थी। इस समय ब्रिटिश कमोडर एनसन और जेम्स फ्लिंट ने इस फैसले को चुनौती दी, पर चीनियों ने इस पर कड़ी प्रतिक्रिया दी और 1757 ईस्वी में कैंटन को छोड़कर अन्य बंदरगाह जो हैं वो विदेशियों के लिए बंद कर दिए गए। 1757 में जो नई व्यवस्था विदेशी व्यापार के लिए कायम हुई, उसी व्यवस्था को हम कैंटन व्यवस्था कहते हैं। यह व्यवस्था 1757 से लेकर 1842 तक चली और इस व्यवस्था के अंतर्गत यूरोपियन व्यापारियों को कैंटन में अपना गोदाम बनाने का, कारखाना रखने का या फैक्ट्री रखने की अनुमति दी गई। और अगस्त से लेकर मार्च तक, जबकि व्यापार होता था उस दौरान, यूरोपीय व्यापारी कैंटन में रह सकते थे। वर्ष के शेष समय में उनको मकाई द्वीप पर रहना होता था। कैंटन में व्यापारियों के निवास के दौरान वे अपने साथ परिवार को नहीं रख सकते थे। दूसरा प्रतिबंध था कि वे चीनी अधिकारियों के साथ सीधे संपर्क नहीं रख सकते थे। उनकी सारी व्यापारिक गतिविधियां कोहांग नामक व्यापारियों के एक समूह के माध्यम से संचालित होनी थी, और इन कोहांग व्यापारियों के अतिरिक्त पश्चिमी व्यापारी केवल अपने घरेलू नौकर, दुभाषिया और कंप्यूटर अर्थात जो उनका लोकल एजेंट था, सिर्फ उसी के साथ संपर्क रख सकते थे। ये जो कोहांग व्यापारी थे, वास्तव में ये स्थानीय व्यापारियों की एक समिति थे, जिसे व्यापार के क्षेत्र में चिंग सरकार से मान्यता प्राप्त थी। इस एकाधिकारी मान्यता के बदले में वे व्यापार संबंधी प्रबंध देखते थे, विदेशी व्यापारियों को आवश्यक सुविधा उपलब्ध कराते थे, साथ ही साथ विदेशी व्यापारियों के अच्छे व्यवहार की गारंटी भी लेते थे। यह व्यवस्था में प्राचीन काल के श्रेणी निगम और पूग जैसे व्यापारिक संस्थाओं की याद दिलाती है, जहाँ व्यापारिक संगठनों को
न सिर्फ व्यापार संबंधी नियमन के अधिकार प्राप्त थे बल्कि उन्हें प्रशासन में भी अपने प्रतिनिधि रखने के अधिकार प्राप्त थे। ठीक उसी तरह से ये जो कोहांग व्यापारी थे ये शाही सरकार के अधिकारियों मुख्य रूप से लियांगक्वांग प्रांत के वायसराय जिसके अंतर्गत कैंटन नगर बंदरगाह था और समुद्री सीमा शुल्क अधीक्षक होपो के प्रति जिम्मेदार थे। कैंटन व्यवस्था के अंतर्गत पश्चिमी व्यापारियों को सिर्फ कैंटन में ही व्यापार करने की अनुमति थी, हालांकि पहले भी यह कैंटन पश्चिमी व्यापारियों का एक पसंदीदा जगह रहा था, लेकिन मौजूदा प्रतिबंधों के कारण पश्चिमी व्यापारी असुविधा से अधिक स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे और वो इससे बड़ा अपने आप को बहुत क्रोध में पाते थे, जबकि वास्तविक कारण इस व्यवस्था के प्रतिबंध नहीं थे। वास्तविक कारण ये था कि पश्चिमी व्यापारी जो व्यापार चीन के साथ करते थे वो चीन के पक्ष में था, क्योंकि पश्चिम को यहाँ से चाय, रेशम और बाकी सामान लेने पड़ते थे, बदले में वो चीन को बहुत कम सामान भेजते थे। इस कारण से 90% भुगतान सोना या चांदी के रूप में होता था। यह स्थिति ठीक उसी प्रकार है जैसे भारत में जब पश्चिम व्यापारी औद्योगिक क्रांति के पूर्व आए तो उनके पास भी बेचने के लिए कुछ नहीं था, तो उन्हें यहाँ भारत से मिलने वाली वस्तुओं के बदले में भी सोना चांदी देना पड़ता था, तो व्यापार उनके पक्ष में नहीं था। अब व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए हम जिस पीरियड की बात कर रहे हैं 1757 से जब कैंटन व्यवस्था शुरू हुई उस समय तक भारत में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो काफ़ी मजबूत हो चुकी थी और बंगाल उनके कब्जे में था प्लासी युद्ध के बाद, तो निश्चित है उनका शक्ति बढ़ रहा था। तो उन्होंने क्या किया कि व्यापार को अपने पक्ष में करने के लिए उन्होंने भारत में अफीम की खेती शुरू कराई और इसका अवैध व्यापार चीन में शुरू किया। चीन में जब ये अफीम की आदत में वृद्धि होने लगी तो चीन की सरकार ने 1729 ईस्वी में अफीम के आयात या खेती दोनों को प्रतिबंधित कर दिया। चीन सरकार के इस प्रतिबंध का नतीजा देखने के पहले हमें एक चार्ट पर नज़र डालना चाहिए जिसके अनुसार 1729 में जब चीन के में अफीम के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया तब 200 पेटी वार्षिक तस्करी आयात होता था। 1767 में ये बढ़कर 1000 हुआ, 1820 में 4500 और 1838-39 में जब प्रथम अफीम युद्ध हुआ उस समय यह बढ़कर लगभग 40,000 पेटी प्रतिवर्ष हो गया था। इस समय चीन में अफीम का आयात पर प्रतिबंध लग गया था तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत से चीन अफीम भेजने के लिए निजी व्यापारियों का प्रयोग किया। ये व्यापारी भारत में अफीम जमा करते थे और चीनी तट के पास खड़े जहाज तक पहुँचाते थे, जहाँ से चीनी व्यापारी इन्हें छोटी छोटी नावों में चीन तक ले जाते थे। तस्करी की यही प्रक्रिया प्रायः सभी जगह और वर्तमान में भी अपनाई जाती है, जिसकी एक छोटी सी झलक हमें रईस नामक पिक्चर में मिलते हैं जो कुछ दिन पहले आया था जिसमें शाहरुख खान मुख्य भूमिका में थे। उस पिक्चर में दिखाया गया था कैसे छोटी छोटी जहाज़ों में समुद्र के किनारे सामान को तस्करी के सामान को उतारा जाता था और 1993 के बम ब्लास्ट के लिए जो RDX आया था वो भी इसी पैटर्न पर उतारा गया था। तो यही तरीका वहाँ भी अपनाया जाता था और इस तरीके को सफल बनाने में अक्षम और भ्रष्ट चीनी अधिकारियों ने और सहायता प्रदान की। इस अफीम के व्यापार से चीन को जबरदस्त नुकसान हो रहा था। सबसे बड़ा नुकसान तो ये था कि चीन में लगभग 1 करोड़ अफीमची मौजूद थे जिसमें केंद्रीय अधिकारी, स्थानीय अधिकारी, राज्य के अधिकारी, सेना के अधिकारी सब शामिल थे जिन्होंने अपने स्वास्थ्य के साथ साथ चीनी अर्थव्यवस्था को भी खतरे में डाल दिया था, क्योंकि नशे पर जब वो ज़रूरत से ज़्यादा पैसा खर्च करते थे तो उनका आवश्यक वस्तु खरीदने का क्षमता कम हो गया था जो अंततः व्यापारिक मंदी का कारण बन गया। उसके अलावा
अफीम की कीमत चांदी से चुकाने के कारण चांदी की कमी हो गई और इससे चीन में चांदी और तांबे का विनिमय दर गड़बड़ा गया। इससे कर उगाही व्यवस्था को धक्का पहुंचा, क्योंकि किसान कर तांबे के सिक्के के रूप में जरूर देते थे, लेकिन कर का निर्धारण चांदी के सिक्के के रूप में किया जाता था। वास्तव में चीन में पहले से ही चांदी की कमी थी। यही कारण है कि चीन प्रतीकात्मक मुद्रा को अपनाने वाला सबसे प्राचीन देश था, जिसने मध्यकाल में ही प्रतीकात्मक मुद्रा का प्रयोग करना शुरू कर दिया था। इस तरह से जब अर्थव्यवस्था और जनता दोनों खतरे में आ गई, तब 1838 में चीनी सम्राट ने महाराज्यपालों और उच्च अधिकारियों की एक बैठक बुलाई, जो इस समस्या के निदान के हेतु थी। इस बैठक को इतिहास में महान अफीम बहस के नाम से जाना जाता है, जहां सम्राट को दो तरह की सलाह दी गई। पहला, कि अफीम के व्यापार को वैध करार दिया जाए, ताकि इससे कम से कम राजस्व प्राप्त हो सके, और दूसरा, अफीम के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू किया जाए। अधिकांश अधिकारी अफीम के प्रतिबंधों को कड़ाई से लागू करने के पक्ष में थे, और इस कारण से लिन जिस्यू को कैंटन का शाही आयुक्त नियुक्त किया गया और उसे अफीम के अवैध व्यापार को रोकने का आदेश दिया गया। इस प्रकार से चीनी सरकार और पश्चिमी व्यापारियों के बीच सीधे टकराव की पृष्ठभूमि तैयार हो गई। धन्यवाद।